कनेक्ट टू पीपल कैंपेन के तहत सिरसा के गांव पतली डाबर पहुंचे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री ने की कार्यकर्ताओं से मुलाकात। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान, चुनाव के लिए हर समय तैयार। नशाखोरी रोकने को शासन प्रशासन अलर्ट। मुख्यमंत्री ने कहा, क्रॉस बॉर्डर नशीले पदार्थ रोकने को सरकार हर समय अलर्ट। नशाखोरी करने और कराने वालों को सरकार कभी नहीं बख्शेगी और ना ही बख्शा। जनता की समस्याओं को जमीनी स्तर पर जानने का माध्यम है कॉन्टैक्ट टू पीपल कैंपेन। मोरीवाला में भी लोगों से रूबरू हुए मुख्यमंत्री। ग्रामीणों ने सीएम के समक्ष रखी समस्याएं। देखिए सुरेंद्र भाटिया व अमर सिंह जानी की ये विशेष रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि वे चुनाव के लिए हर समय तैयार है। कॉन्टैक्ट टू पीपल कैंपेन को चुनावी कार्यक्रम नहीं है, यह जनता से सीधे मिलकर उनकी समस्याओं को जमीनी स्तर पर जानने का प्रयास है। पंजाब में नशाखोरी और नशा तस्करों पर लगाम लगाने के लिए वहां की सरकार द्वारा किए गए उपायों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब की परिस्थितियां अलग है। हरियाणा में शासन और प्रशासन नशों के खिलाफ पूरी तरह से अलर्ट है। साथ ही उन्होंने कहा कि क्रॉस बॉर्डर नशीले पदार्थ रोकने के लिए सरकार ने पुख्ता प्रबंध किए हुए हैं। जरूरत पड़ी तो नशों के खिलाफ टास्क फोर्स का भी गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब में परिस्थितियां अलग है, वहां का युवा नशे से ज्यादा प्रभावित है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नशाखोरी करने वालों को सरकार ने कभी नहीं बख्शा और ना ही बख्शे में बख्शेंगे। के अपने आप में जो नशाखोरी है ये बहुत बुरी आदत है। हमने कभी भी नशाखोरी को कोई प्रोत्साहन देने वालों को बख्शा नहीं है। जब भी नशाखोरी के लोग सामने आते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। अब पंजाब ने किस संदर्भ में बात की है वो संदर्भ मुझे पता नहीं है। जब भी कोई संदर्भ पता लगेगा तब हम बताएंगे। कुल मिलाकर के अपने अपने प्रदेश की सब स्थितियाँ होती हैं। पंजाब का युवा नशीली दवाओं के कारण से इस प्रकार से प्रभावित है। हम कम से कम हरियाणा में उसका प्रभाव नहीं होने देंगे। और ख़ास करके ये जो बॉर्डर क्रॉस बॉर्डर जो सामग्री है नशीली पदार्थों का इधर से उधर उधर से इधर आने जाने का, कम से कम हरियाणा में हम कंट्रोल करेंगे, हमारी जिम्मेवारी है। अगर सामान्य परिस्थितियाँ जो पुलिस की हैं उसे कंट्रोल होगा तो हम करेंगे। अगर इसमें कोई कमी रहेगी तो स्पेशल कोई ना कोई टास्क फोर्स बनाएंगे। किसी भी कीमत पर नशीली दवाओं के हिसाब से हम युवा को खराब नहीं होने देंगे। देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक संपर्क अभियान का प्रोग्राम होता है। हमने अपने संपर्क अभियान को जनता में जा करके कई उसके प्रयोग किए हैं। एक पहला शहरों के अंदर जैसे रोड शो के कार्यक्रम हमारे हो रहे हैं। बड़े बड़े जो गांव हैं महाग्राम ग्राम हैं उनके अंदर मेरे एक एक गांव के अंदर हज़ारों की संख्या में जनसभाएं हो रही हैं। कंटैक्ट टू यानी संपर्क जो हमारा कंटैक्ट टू पीपल है उस प्रोग्राम के अंतर्गत आज ये जो चाय पर चर्चा का एक कार्यक्रम चलाया है इसमें भी कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके उनका हालचाल पूछते हैं, उनकी समस्याएं कठिनाइयां होती हैं वो पूछते हैं। और हमारा ये सारा फोकस सरकार का ये है कि जनता के काम किए जाएँ। जितनी हमने घोषणाएँ की हैं उसमें से अगर मैं 2018 की छोड़ करके 2017 तक की बात करूं तो 80% से ज़्यादा हमारी घोषणाएं उन पर काम या तो पूरा हो गया या काम चल रहा है। 2018 की क्योंकि अभी अभी 4-6 महीने से हुई हैं उनके अंदर भी पूरा काम चलेगा। अपने कार्यकाल में हम इतनी घोषणाओं पर काम कर जाएंगे जितना पिछली सरकार में 10 साल में भी नहीं किया। के सामान्य जो गली मोहल्ले की बातें हैं ज़्यादा वही होती हैं। कोई गली का विकास है, कोई स्कूल का अपग्रेडेशन है, कहीं कोई चिकित्सा संबंधी कोई बातें हैं, जो सर्वसामान्य बातें होती हैं उतना ही है। किसी प्रकार की कोई बड़ी समस्या समाज की नहीं है। हमारे यहाँ बिजली सब ठीक प्रकार से चल रही है, पानी सब ठीक प्रकार से चल रहा है। कोई ऐसा बड़ा विषय जिसके कारण से लोगों के मन में कोई बहुत पीड़ा हो ऐसा कोई विषय नहीं है। सरकार की 3.5 साल की जो कार्यगुजारी है उससे लोग संतुष्ट हैं। आम वर्ग के साथ में हमारा संबंध है। हमारा बड़े से बड़ा जो नेता होता है, अधिकारी होता है, वो सामान्य वर्ग से इसी प्रकार का संबंध बनाता है। हमारे बड़े से बड़े नेता यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष लेवल स्तर के भी कार्यकर्ता हैं वो भी सामान्य परिवारों में जाते हैं। इसलिए सामान्य परिवार के साथ खड़े होने में वहाँ जाने में हम जनता को एक विषय बताना चाहते हैं। हमारा संबंध आम यानी जैसे नागरिक होता है उस आम नागरिक की तरह हम भी उनके साथ व्यवहार करते हैं और उनकी सारी समस्याएं जमीनी स्तर पर जाने के बाद ही पता लगती हैं, ऊपर ऊपर घूमने से पता नहीं लगती हैं। इसलिए जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से मिलना ही हमारी प्राथमिकता।
देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हरियाणा की जनता की ओर से, हरियाणा की सरकार की ओर से, अपनी ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो हमारा वायदा था कि जो भाव है यानी फसल का, उस फसल की जो कॉस्ट आती है, उस कॉस्ट, उस लागत का 50% जो लाभांश है वो देने का काम किया है। कुछ फसलों में तो 62% 65% और बाजरे में तो 96% लाभ है। इसलिए सब प्रकार की कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए उसके ऊपर 50% का लाभांश देने की फसल का, 14 फसलों का जो दाम है वो घोषित किया गया है। और ये फसल यानी किसान की खुशहाली के लिए बहुत आवश्यक था। किसान खुशहाल होगा, प्रदेश खुशहाल होगा, प्रदेश खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। चुनाव के लिए हमेशा तैयार है, लोकसभा विधानसभा दोनों हमेशा तैयार है। जब भी चुनाव आ जाएगा हम तैयार है। अरे मैंने बता दिया हम चुनाव के लिए तैयार हैं, शुरू नहीं कर दिया, हम चुनाव के लिए तैयार हैं। चुनाव आयोग का काम है, जिस दिन चाहे चुनाव करा। सीएम साहब कहां से चुनाव लड़ने की तैयारी? आप सर लोकसभा और रक्षा चुनाव।